दोस्तों, मिर्च का पौधा सभी लोग अपने घर पे लगाते हैं। जितने भी गार्डनिंग के शौकीन होते हैं वो मिर्च का पौधा जरूर लगाते हैं अपने घर पे। लेकिन कई लोगों को एक समस्या आती है मिर्च के पौधे लगाने के बाद, इसमें जो फूल बनते हैं वो सब गिर जाते हैं। कई लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि हमारे जो मिर्च का पौधा लगाया है उसमें फूल तो आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर फूल जो है गिर जाते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये मिर्ची के पौधे के जो फूल गिरते हैं उसके मुख्यतः दो कारण होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मिर्ची का पौधा देखिए, मैंने जो अपने गार्डन में लगा रखा है इसमें देखिए कितनी भरपूर मात्रा में मिर्ची हुई है। इसमें हर ब्रांच में देखिए 8 से 10 मिर्च लगी हुई है। और इसकी जो मैं देख रेख करता हूँ, इसमें जो खाद देता हूँ वो सब जानकारी आपको दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको आगे बताता हूँ मिर्ची के पौधे में क्या देख रेख करनी है आपने, जिससे कि आपके मिर्ची के पौधे में भी ढेर सारे फूल बने और जितने भी फूल लगे इसमें वो सब मिर्च में कन्वर्ट हो, मतलब कि वो फल जरूर बने। इस मिर्ची के पौधे से, ये एक ही पौधा है देखिए, इस मिर्ची के पौधे से मैंने एक बार हार्वेस्टिंग भी कर लिया, उसके बाद इसमें फूल और फल लगातार बनने में लगे हैं। इसमें मेरे लगभग लगभग 90% फूल जो है फल में कन्वर्ट हुए हैं। इसके लिए क्या करना है आपने, जो सबसे पहले इसकी जो मिट्टी होती है, मेन कारण जो होता है मिर्च के पौधे में जो फूल गिर जाते हैं, इसके जो मिट्टी होती है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ये बरसात का समय है, इस समय जो मिर्च का पौधा है उसमें पानी ज्यादा रहेगा पौधे में, तो उससे जो होते हैं फूल को स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और वो फूल सारे गिरने लग जाते हैं। मेन कारण एक यही रहता है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और अगर पानी की मात्रा कम है तब भी इसके पौधा स्ट्रेस में आकर अपने सारे फूल गिरा देगा। और ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि पानी ज्यादा होता ही होता है पौधे की मिट्टी में, क्योंकि जो बरसात होती है लगातार, उस 3-4 दिन बरसात हुई उससे मिट्टी में जो है मॉइस्चर बने रहेगा, उससे सारे फूल उसमें से लगभग लगभग जितने फूल लगे आपके उसमें सब मिर्ची नहीं बनेंगी, कुछ गिर भी जाएंगे फूल। तो आज मैं बताऊंगा इसमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं रहने के लिए आपने क्या करना है, पौधे की जो बरसात होती है या पानी ज्यादा हो जाता है उसके लिए आपने क्या करना है, मिट्टी किस तरीके से बनानी है। मिर्च के पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, मतलब कि वो मिट्टी में पानी रुके ना। क्योंकि हम गमले में, कंटेनर में कोई भी गार्डनिंग करते हैं, अगर उसमें मिर्च का पौधा लगाया हुआ है कोई गमले में या ग्रो बैग में, अगर उसकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी होगी, बहुत हार्ड मिट्टी होगी, तब भी ये पौधा स्ट्रेस में आएगा और अपने फूल गिरा देगा। और वो हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें मॉइस्चर हमेशा बने रहेगा, पानी हमेशा रुकेगा। तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, जो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल उसमें पानी रुके ना। उसके लिए आपने क्या करना है, मिट्टी में कोकोपीट या जो राइस हस्क का आता है मार्केट में, आप कहीं चक्की से या राइस मिल से राइस हस्क जो आता है उसको मिला दीजिए। 40% अगर राइस हस्क आपका मिला होगा मिट्टी में, तो उससे क्या होगा, मिट्टी में मॉइस्चर तो बने रहेगा लेकिन जो पानी है वो रुकेगा नहीं। अगर आपने राइस हस्क से मिट्टी जो बनानी है, मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे कैसे तैयार करते हैं मिर्ची के पौधे के लिए, या कोई भी अपने जो गमले में हम ग्रो बैग में जो मिट्टी तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं, बहुत हल्की मिट्टी बनती है, वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी है। इसकी वो मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस तरीके की मिट्टी बनाइए। और जब भी आप मिट्टी बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हर 10 दिन में देते रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ग्रो बैग में भी जो मिर्च का पौधा लगाया है उसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग और उसमें कितनी अच्छी मिट्टी हो रही है उसकी। ये देखिए मैंने जो ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगा रखा है एक, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है, स्टेम देखिए कितनी मोटी हो रही है इसकी, और बहुत घना हो रखा मिर्च का पौधा देखिए। तो आप कभी भी ग्रो बैग में या गमले में जब बनाते हैं तो उसकी मिट्टी जो होनी चाहिए बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने मिट्टी बना रखी है इसमें पानी रुकता नहीं है, ये देखिए इसमें बिल्कुल पानी रुकेगा नहीं। इसी में मैंने अदरक भी लगा रखा है, थोड़ा अदरक के पौधे भी लगा रखे, अदरक भी हो रहा है, और ये मिर्च का पौधा ये भी लगा रखा है एक, इसमें देखिए कितनी अच्छी मिर्च हुई है। ये सब जो मैं इसमें गोबर की खाद हर 10-15 दिन में डालते रहता हूँ, उसकी वजह से इसमें जो फ्रूटिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि हम पौधे में अगर खाद देते रहेंगे बीच बीच में तो उससे भी क्या है पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है
और पौधे जो अपना फल बनाने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसी से जो है मिर्च इसमें तैयार होती है। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हर 10-15 दिन में दीजिए, उससे पौधे में जो है मॉइस्चर बने रहता है। गोबर की खाद से मॉइस्चर बने रहेगा तो पौधा भी अच्छा रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन बनेगी। इस तरीके से आप इसमें गोबर की खाद दीजिए और इसको जो मिर्च के पौधे को है आप पूरे दिन की धूप में रखिए, क्योंकि ये फल वाला पौधा है। फल यानी जो फ्रूटिंग होती है इसमें, जिसमें फूल से फ्रूटिंग बनती है, कोई भी पौधा हो उसको धूप में जरूर रखिए। तो धूप में रखेंगे तभी इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। आप अगर उसको छाया वाली जगह में रख देंगे या ऐसी जगह रख देंगे जहाँ धूप आती नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसमें फ्रूटिंग अच्छी नहीं ले पाएंगे। इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए चाहिए, अगर पूरे दिन की धूप मिल जाए तो और बढ़िया है। तो इस तरीके से आप मिर्च के पौधे को लगाइए और कम से कम एक मिर्च के पौधे के लिए आप 12 इंच का गमला तो लीजिए। अगर छोटा गमला होगा उससे क्या होगा, रूट बॉन्ड बन जाएगा उसमें और आपकी मिर्च का पौधा स्ट्रेस में आकर अपने सारे फूल गिराने लग जाएगा। इसलिए मिर्च के पौधे को कभी भी लगाइए तो बड़े ग्रो बैग में या गमले में लगाइए, 12 इंच से ऊपर के गमले में। तो इस तरीके से आप मिर्च के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। और आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे कि मैं यूज करता हूँ अपने पौधों में, खास करके मिर्च के पौधे में उसी को यूज करता हूँ। तो आप उस चीज का यूज करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी फ्रूटिंग होगी। वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये चीज देख रहे होगे आप मेरे हाथ में, ये क्या है, कोयला। लकड़ी जलाते हैं तो उसका कोयला जो बच जाता है, ये बहुत यूजफुल है अपने पौधों के लिए। और कैसे यूज करना है इसका भी मैं जानकारी दूंगा। इसमें इसको अगर हम यूज करते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, बोरोन, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं पौधों के लिए सारे वो इससे मिल जाते हैं। तो बीच बीच में अगर हम इसको भी डालते रहें पौधों की जड़ में, तो आपके पौधों में भी अच्छी ग्रोथ होगी और पौधों का सारा न्यूट्रिशन इसी से तैयार हो जाएगा। तो इसको तैयार कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। आप जो कोयले जब इकट्ठा करते हैं या आप लकड़ी जलाते हैं उसके कोयले इकट्ठा होते हैं, उनको फेंकिए मत। इस तरीके से देखिए, मैंने यूज करता हूँ इनको, ये मैंने इतने सारे रख रखे देखिए पन्नी में। ये इनको एक बाल्टी 2 लीटर या 3 लीटर जो भी बाल्टी आपके पास उसमें भिगा दीजिए। इसको भिगाइए और अगले दिन इसको छान के अपने पौधों की जड़ में डालिए। इससे जड़ में अगर ये मिलेगा, इसका पानी अगर जड़ में मिल जाएगा तो एकदम से पोषण मिलता है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, जड़ें एकदम से पोषण ले लेती हैं इसका। इसमें हर प्रकार के न्यूट्रिशन पौधों की ग्रोथ के लिए पाए जाते हैं। उसको देना कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो आपने अगर कोयले भिगा देंगे इस तरीके से, अगले दिन उसको क्या करना है, मैंने भिगा के रखे हैं, इसको मैं भिगाए रहता हूँ और अपने पौधों में इस तरीके से छान के, ये छान लीजिए पूरा, ये देखिए इसका कलर ऐसे हो जाएगा। मैं ज्यादातर न्यूट्रिशन इसमें घुल जाते हैं, इसलिए इसको लिक्विड के तौर पर दिया जाता है। ये देखिए अपने पौधे में जब भी आप पानी देते हैं तो इस तरीके से इसको भी दीजिए। इससे क्या होगा, जड़ों में जो पोषण है ये लिक्विड खाद एकदम से पोषण जड़ों को देंगी, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो मैंने आपको मिर्च के पौधे के बारे में बता दिया, इसमें जो फ्रूटिंग लेते हैं किस तरीके से लेते हैं और इसकी केयर कैसे करनी है और इसको कैसी मिट्टी में लगाना है, ये आप जानकारी लेकर अपने मिर्ची के पौधे को लगाइए। और अगर आपका मिर्ची का पौधा अच्छी ग्रोथ करता है तो आगे कमेंट करिए और आगे इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।